नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी राजस्थान वासियों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि राजस्थान में लॉकडाउन खोलने का चौथा चरण शुरू होने जा रहा है। ऐसे में गृह मंत्रालय के द्वारा नई गाइडलाइन जारी की जा रही है, जिसमें पहले से पाबंदियां लगी हुई हैं उन चीज़ों में अब छूट दी जा रही है। तो देख लेते हैं अब की बार किन किन चीज़ों में छूट सरकार के द्वारा दी जा रही है। दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिल रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट हुई है, तो वहीं आप यहां पर देखें, इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन में छूट का दायरा और बढ़ाने की भी तैयारी कर ली है। नई गाइडलाइन में धार्मिक स्थलों, मल्टीप्लेक्स और शादी समारोह से रोक हटाई जा सकती है, हालांकि मेहमानों की संख्या सीमित रखी जाएगी। इसी के साथ में यहां पर आगे आप देखें, बैंड बाजा, बारात, मैरिज गार्डन, मैरिज इवेंट पर लगी रोक भी हटाई जाएगी और जल्द नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। यानी कि दोस्तों, आज देर रात तक नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी। अगर आज नहीं होगी तो कल जरूर नई गाइडलाइन जारी हो जाएगी, जिसमें आपको अनेक प्रकार की छूट मिलने जा रही है। यहाँ पर आप दोस्तों लिस्ट सहित भी देख सकते हैं कि अब की बार किन किन चीज़ों में आपको छूट मिलने जा रही है, क्योंकि बहुत दिनों से इन चीज़ों पर पाबंदियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों, आपके लिए जो भी हाईलाइट खबर आती है, सबसे पहले मैं आपको अपडेट यहाँ पर करता हूँ। अब नई गाइडलाइन से संबंधित जानकारी सामने आ रही है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देखें, पार्क सुबह शाम पार्क और गार्डन खोले जा सकते हैं। अभी सुबह 5 से 8 बजे तक की छूट है, लेकिन यहाँ पर अब मनोरंजन की हम बात करें तो सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स आधे दर्शक क्षमता के साथ खोलने की तैयारी है। यानी कि 100 की जगह 50 व्यक्ति ही इसमें उपस्थित होंगे। यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो है दफ्तर, तो यहाँ पर चाहे प्राइवेट दफ्तर हो या गवर्नमेंट दफ्तर हो, तो ये कार्यालय 100% क्षमता के साथ 6 बजे तक खुल सकते हैं। अभी आधे कर्मचारियों के साथ 4 बजे तक खोलने की मंजूरी है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि जो प्राइवेट कार्यालय हैं वो बहुत दिनों से बंद पड़े थे, सरकारी तो 50% उपस्थिति के साथ पहले खुल रहे थे, तो अब ये भी 100% क्षमता के साथ खुलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखें, ये है वीकेंड कर्फ्यू। तो वीकेंड कर्फ्यू तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रविवार को अभी भी बाजार बंद रहेंगे। पहले एक्टिव केस 10,000 से कम होने पर वीकेंड कर्फ्यू हटाना तय किया गया था, लेकिन अब 10,000 से कम भी केस हो गए हैं, लेकिन फिर भी वीकेंड कर्फ्यू नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड वेव है कोरोना संक्रमण की, तीसरी लहर है, उसकी सभी को चिंता है और उसी के कारण से अभी भी जो वीकेंड कर्फ्यू है वो राजस्थान में, पूरे राजस्थान के जो भी 33 जिले हैं उनमें रहने वाला है। यानी कि 6 दिन बाजार खुलेंगे और 1 दिन अभी भी लॉकडाउन रहने वाला है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको पूरी चीज़ बता दी है। यहाँ पर आपको वीकेंड कर्फ्यू, दफ्तर, मनोरंजन, पार्क और इनसे सभी से संबंधित आपको चीज़ें बता दी हैं। वहीं शादी समारोह पर भी और धार्मिक स्थल, मल्टीप्लेक्स, ये हैं, इन चीज़ों में आपको छूट मिलने जा रही है। अब दोस्तों, पूरी जानकारी जो भी गाइडलाइन आएगी सबसे पहले इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, इसलिए अभी ही बेझिझक होकर चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, तथा राजस्थान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।